भारत सरकार ने मंगलवार को गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भारत की पहली उड़ान के लिए चयनित एयरफोर्स के 4 पायलटों के नाम बताए। भारतीय वायुसेना से चुने गए इन 4 अधिकारियों के नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर सुभांशु शुक्ला। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इस मिशन की तैयारी के लिए लगातार परीक्षण कर रही है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा, जिसके 3 दिन बाद उन्हें वापस आना होगा। इसरो के मुताबिक 2024 में एक टेस्ट फ्लाइट रोबोट को अंतरिक्ष में ले जाएगी। इसके बाद 2025 में अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सिर्फ 4 लोग नहीं बल्कि 140 करोड़ आकांक्षाओं को अंतरिक्ष में ले जाने वाली शक्तियां हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। बताया गया है कि इन अधिकारियों को मुश्किल शारीरिक और मानसिक परीक्षणों से गुजरे एयरफोर्स पायलटों के एक बड़े समूह से चुना गया है। इन अधिकारियों ने रूस में 13 महीने तक कठिन ट्रेनिंग की है और अब भारत में भी उसी ट्रेनिंग को जारी रख रहे हैं। इसरो ने मंगलवार को व्योममित्र की भी एक झलक दिखाई। व्योममित्र एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ अंतरिक्ष का दोस्त है। यह एक रोबोट है जिसे इस साल अंतरिक्ष में भेजा जाना है। गगनयान मिशन अंतरिक्ष में भारत की पहली मानव उड़ान है, जिसके लिए इसरो केंद्र पर काफी तैयारी चल रही है। इस परियोजना पर होने वाला कुल खर्च 90 अरब रुपए है। अगर भारत अपनी इस परियोजना में सफल होता है तो वह अंतरिक्ष में इंसान पहुंचाने वाला 4th देश बन जाएगा। इससे पहले सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ने अंतरिक्ष में इंसान पहुंचाने में सफलता हासिल की थी।